हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरा चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जो कि हमारा चल रहा है यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हम भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं, मतलब जो चैप्टर नंबर 5 है वो है जलवायु या क्लाइमेट कह सकते हैं। गाइज, यहाँ पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी हो आपकी तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे है हमारा सिलेबस जो कि आप देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो गाइस, यहाँ पे ना जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप इस बुक का भी जो है लिंक आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप लोग को बाय करना हो, क्योंकि बेहतरीन बुक है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, एक बुक ज़रूर अपने पास रखिएगा, ये नहीं कि आप सोचो कि वीडियो से। तो गाइस, वीडियो एक बार देखने में सही है, उसके बाद अगर आप वीडियो पे रहेंगे तो गाइस वहाँ पे क्या होता है ना कि टाइम वेस्ट होता है खाली, तब आपके पास बुक होनी चाहिए। तो बुक का लिंक जो है ना आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, मैं गारंटी के संग कह सकती हूँ कि ज्योग्राफी अगर आप इस बुक से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ कहीं से ज्योग्राफी करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लो। तो गाइस, जब जितना हम कर चुके हैं ना उससे आगे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। चल रहा था हमारा जलवायु चैप्टर। जलवायु चैप्टर में देखिए हम क्या कर रहे थे ना, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे गाइस, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। और उसमें हम एक सिद्धांत यानी कि जो तापीय सिद्धांत या उसको हम कहते हैं चिरसम्मत विचारधारा, ये हम कर चुके थे। नेक्स्ट हम जो है अब आज इस वीडियो से शुरू करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है गतिक संकल्पना या विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत, राइट। तो हम इसकी बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, फ्लोर ने करा। अच्छा, तो इन्हें क्या कहा कि जो मानसून पछुआ पवन है, ठीक है, अभी हम देखेंगे पछुआ पवन क्या है, उसका क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन, मतलब सूर्य जो उत्तर की तरफ जाता है और जो दक्षिण की तरफ आता है, के अनुसार जो है सामान्य मौसमी स्थानांतरण है, ठीक है। यानी कि हमने कहा कि पवनों, जैसे जैसे मौसम बदलता है या हम कह सकते हैं पवन की दिशा बदल जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ओके। तो कहते हैं कि ये छोटा सा डायग्राम है, इसको समझते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, बहुत छोटा सा ये। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये हो गई, तो डायग्राम है गाइस, यहाँ पे ये समझते हैं थोड़ा सा ना। ये देखिए, ये जो है आपका, ये है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे क्या इसने लिखा, ये छोड़ो, इतने पे अभी ध्यान मत दो, अभी आप फिलहाल ये देखिए भूमध्य रेखा है, और ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री वाली रेखा यानी कि अक्षांश, ये हो गया आपका 66.5 वाला, ठीक है। तो एक 23.5 होता है, एक 66.5 होता है, 0 डिग्री होता है, उत्तर में हमने देख लिया, और ये 90 डिग्री होता है, छोड़ो उसे अभी। अब हम दक्षिण में भी ऐसा ही देख लेते हैं। तो जो 23.5 होता है वो कर्क रेखा होती है, ये हम जानते हैं। फिर 0 डिग्री हो गया, 23.5 हो गया, 66.5 डिग्री, मतलब 66.5 हो गया। तो जो यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। अब पवने देखिए कैसे चल रही है। देखिए, जो पहली जो है आपकी यहाँ पे मकर रेखा है, यहाँ कर्क रेखा है, और यहाँ पे आपका 0 डिग्री। तो जो है मकर रेखा से 0 डिग्री की तरफ जा रही है, कर्क रेखा से 0 डिग्री की तरफ जा रही है पवने। पवन की डायरेक्शन देख लीजिए किस तरह से, ठीक है। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवने, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे व्यापारिक पवने। अब देखिए, 23.5 से लेकर आपका 66.5 के बीच में जो पवने चल रही हैं वो है आपकी पछुआ पवने, राइट। यहाँ पे भी देखिए पछुआ पवने, और उससे ऊपर वाली होती है ध्रुवीय पवने, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा क्या था, पछुआ पवने। देखिए, तो गाइस अगर मान लेते हैं ना, सूर्य इस वक्त 0 डिग्री से उत्तरायण हो रहा है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और हम जानते हैं यहाँ पे कहीं भारतीय उपमहाद्वीप, राइट। तो सूर्य जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ, राइट। तो अब क्या होता है, ITCZ भी ना, ITCZ जो गर्म स्थान होता है जहाँ का वायुदाब निम्न होता है, ठीक है, वो भी ऊपर की तरफ खिसकने लगता है। तो हमने कहा ITCZ भी ऊपर की तरफ खिसक गया, राइट। तो जब ITCZ भी खिसक गया ऊपर की तरफ, तो जो ये व्यापारिक पवने हैं ये तो ऊपर रहेंगी रहेंगी, अब जो ये, ठीक है। तो हमने कहा कि ITCZ भी ऊपर की तरफ खिसक गया, अभी हम आगे पढ़ते हैं फिर बताएंगे। तो लिखा है इसके अनुसार क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, देखिए गर्मी का टाइम है, तापीय विषुवत रेखा जो है आपकी उत्तर की ओर खिसक रही है, जिसकी वजह से ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक रहा है, ठीक है, बस इतना सा समझ लीजिए। सूर्य ऊपर की तरफ जा रहा है, ITCZ भी उत्तर उत्तर की तरफ जा रहा है, राइट। अब इसने कहा जो आपकी विषुवतीय पछुआ पवने हैं, जो पछुआ पवने हैं उसका प्रभाव कहाँ पड़ने लगता है, आपका भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ने लगता है, और वहाँ पर क्या बन जाएगा, हमने कहा जहाँ सूर्य है जहाँ गर्मी है वहाँ का वायुदाब अपने आप ही कम होगा यानी कि निम्न होगा यानी कि लो प्रेशर होगा, ठीक है। अब जो
लो प्रेशर होता है तो जो आपकी जो वो है जो पवन आ रही है जो विषुवत रेखा के नीचे थी, विषुवत रेखा को क्रॉस करके फिर हमारी भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आने लगती है और उसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। तो हम इसे कहने लगते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी हमने पहले भी ये पढ़ रखा है पिछले टॉपिक में, ठीक है, तो कुछ नया नहीं है। फिर इसने कहा जो उत्तरी जो ITCZ है उसके सहारे उष्णकटिबंधीय विक्षोभ सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए तो जो ITCZ है उसके सहारे क्या, ITCZ की वजह से क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ ये क्या होता है, सक्रिय यानी कि एक्टिव हो जाता है, क्षेत्रीय मौसम को प्रभावित करने में इसकी भूमिका होती है। यानी कि यहाँ क्या सक्रिय हो रहा है, उच्च उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ, राइट। तो इसकी वजह से भी मौसम प्रभावित होता है यानी कि उसमें चेंजेस आते हैं। अब देखिए अभी हमने गर्मी की बात करी, अब हम यहाँ पे ठंड की बात कर लेते हैं। अब सूर्य क्या होता है, दक्षिण की तरफ जाने लगता है और निम्न वायुदाब दक्षिण में बनेगा, उच्च वायुदाब तो ऊपर, देखिए तो दक्षिणायन होने पर निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है उच्च वायुदाब में बदल जाएगा। यानी कि जब सूर्य नीचे की तरफ चला जाएगा तो जहाँ पे पहले लो प्रेशर था अब हाई प्रेशर हो जाएगा, इसने ये बात बोल दी, ठीक है। तो इसने कहा कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने पुनः जो है प्रभावी रूप से गतिशील हो जाती हैं। मतलब गाइस इस मैं क्या बताऊँ, इसमें इतना मज़ा नहीं आया मुझे, ठीक है, इससे पहले वाले में बिल्कुल आया था। तो इसमें बेकार की बात लिखी है, लिखी वही बात है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एक बार सूर्य जो है उत्तर की तरफ जाता है, ITCZ उत्तर की तरफ जाता है और यहाँ पे जहाँ सूर्य रहेगा वहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। अब तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, नीचे से जो है हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उत्तरी कहाँ आने लगती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, राइट, ठीक है। कौन सी हवा, दक्षिण पश्चिम। अब क्या हो रहा है कि अब जो सूर्य है वो दक्षिणायन होने लगेगा यानी कि नीचे की तरफ जाने लगेगा और जहाँ पे लो प्रेशर था अब वहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर, क्योंकि वहाँ हो जाएगा ठंडा, दिसंबर का टाइम है, ठंड हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हाई प्रेशर। अब क्या होता है, अब हवा जो है आपकी वही है स्थल से जब मतलब जो है भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर निकलने लगती है, ठीक है, तो बाहर निकलने दिसंबर का टाइम है, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर निकलने लगती है, ठीक है। अब इसकी वजह से भी वर्षा होती है, हमने कहाँ देखा था गाइस, नीचे तमिलनाडु के तट पे, कोरोमंडल तट पे यही देखा था। और इस हवा की दिशा कैसी थी, ऐसी थी यानी कि उत्तर पूर्व थी, तो उत्तर पूर्व मानसून था। तो गाइस इसमें कुछ मत याद रखिए, इतना बेकार की बात करने की जरूरत नहीं है, ये वही चीज़ है, बस उसको लिखने का तरीका इनका अलग हो गया, ठीक है, तो बेकार, मतलब इससे अच्छी मुझे वो पहले वाला लगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जेट स्ट्रीम सिद्धांत की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ये है क्या है, उत्तरी वायुमंडल सॉरी ऊपरी वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह यानी कि वायु प्रवाह प्रणाली है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को भी प्रभावित करती है। मतलब ये समझ लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हमारे पास वायुमंडल होता है, राइट। तो इसने कहा कि ऊपर कहीं ये चल रही है, बहुत ऊपर चल रही है, जिसकी वजह से जो नीचे का जो वायुमंडल है ना, नीचे का वायुमंडल भी प्रभावित होता है। पृथ्वी के कहीं ऊपर चल रही है, इस ऊपर जो हवाएं चल रही है ना उसकी वजह से नीचे का भी जो पृथ्वी के आसपास का वायुमंडल है वो प्रभावित होता है, इसने ये बात कही। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम, ठीक है, के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। तो अब इसने ये कहा कि देखिए एक जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम आप ये समझ लीजिए हवाएं चल रही है बहुत तेज़ी से, तो एक हो गई पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है, एक पश्चिमी मान लेते हैं, ठीक, अभी पश्चिमी की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्वी की बात कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय गर्मी का मौसम है, गर्म वाला स्थान है यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसने कहा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो मतलब हम जेट स्ट्रीम की वजह से भी मानसून आ रहा है, ठीक है, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि भैया ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसकी वजह से जो मानसून आ रहा है उसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखो, अब होता है एक है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इसकी वजह से कौन सा मानसून आ रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए गाइस अब एक और बात समझिए, दो ही तरीके के मानसून की बात करी है इसने, एक इसने बात करी है दक्षिण पश्चिम मानसून की, एक इसने बात करी उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व मानसून की। मतलब ऐसे वाला, ये देखिए ये है आपका भारत, ठीक है, ये आपका भारत था, ठीक है, चलिए गलत था, फिर से बनाते हैं भारत, ठीक है गाइस। तो ये हमने बना दिया भारत, ठीक है, और एक हमने भारत ये भी बना दिया, तो हमारे पास दो भारत है, चलो ठीक है। अब इसने कहा दो तरीके का मानसून, एक तो हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून जो ऐसे करके भारत के अंदर एंट्री मारता है, ठीक है। अब एक मानसून होता है जो भारत से
बाहर निकल रहा होता है और यहाँ करके कहीं पे बारिश करवा देता है कोरोमंडल तट पे, राइट, यानी कि यहाँ पे तमिलनाडु में कहीं बारिश करता है। यानी कि दो हो गए, एक तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम क्योंकि इस पवन की दिशा वैसी है, ये वाला आपका हो गया उत्तर पूर्व हो गया क्योंकि पवन की दिशा आती है। तो इसने कहा जो दक्षिण पश्चिम है ये किस वजह से आया था, ये आया था जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से आपका ये वाला आया था, ठीक है। अब इसने कहा ये उत्तर पूर्वी ये वाला किस वजह से आ रहा है, तो ये वाला किस की वजह से आ रहा है, ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है इसकी वजह से आ रहा है। बस इसने इतनी सी बात करी अभी तक, ठीक है। अब इसने लिखा है शीतकाल में क्या होता है, पूरे पश्चिमी और मध्य एशिया में क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती रहती है, जब ये तिब्बत के पठार पर पहुँचती है तो अवरोध के कारण क्या होती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा है ये रहा एशिया, ये हो गया आपका मान लेते हैं यूरोप, और यहाँ से एशिया जो है स्टार्ट होता है, ये पूरा का पूरा ये वाला है एशिया, ठीक है, एशिया यहाँ पे भारत का ही है, ठीक है। तो इसने कहा जो आपका पश्चिम एशिया, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया की बात करते हैं, हम मानते हैं यहाँ मध्य एशिया, यहाँ पे पश्चिमी एशिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कहीं हम बात कर रहे हैं। तो इसने कहा यहाँ पे क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जारी होगी, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है, ठीक है, तो इस तरह से बह रही है। अब ये क्या होता है, यहाँ बीच में अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे है तिब्बत का पठार, ठीक है, तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम इस तरह से आ रही है और जो तिब्बत के पठार से टकरा रही है, जिसके कारण टकराने के बाद ये दो शाखाओं में बढ़ जा रही है, ठीक है। चलो अब इसने कहा एक शाखा तो तिब्बत के पठार के उत्तर से पठार के समानांतर बहने लगती है और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहने लगती है, जो शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ लाती है। मतलब इसने क्या कहा, इसने कहा ये हो गया भारत से हम उत्तर चलो पूरा ही भारत बना दिया हमने, तो चलो ये हो गया भारत, ठीक है, और ये है आपका तिब्बत का पठार मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसने कहा एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम आ रही है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ से भूमध्य रेखा से होती हुई आती है, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, दो यहाँ मान लीजिए हिमालय है, ठीक है, ये तिब्बत का पठार है हिमालय, तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जा रही है, जिसकी एक शाखा इसने कहा इस साइड चली जाती है, एक शाखा जो है आपकी जो हिमालय के दक्षिण मतलब दक्षिण से होकर चलने लगती है, ठीक है। देखिए लिखा हिमालय के दक्षिण से चलती है और पूर्व की तरफ चलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जो हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय में जो वर्षा होती है ना इस वक्त वो यहीं से मतलब यहाँ से ऐसे जाती है, और जो यहाँ पे हिमालय में जो वर्षा हो रही है इस वक्त, या आप कह सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे शीत ऋतु में अगर हम कहते हैं ना, हिमालय पे वैसे भी शीत ऋतु में होती है, तो शीत ऋतु में अगर हम कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ लाती है, यानी यहाँ पे जो वर्षा होती है वो इसकी वजह से ही आती है, ठीक है। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से आपकी क्या होती है, हिमालय पे वर्षा होती है, और कब होती है, ठंडियों के दिनों में मतलब शीत ऋतु में। अब इसने लिखा है गर्मी में जब सूर्य उत्तर दिशा में जाता है, यानी कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है, तो सभी ताप कटिबंध जो है उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का जो है तिब्बत के पठार के ऊपर विस्थापन हो जाता है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में क्या है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसने कहा जब गर्मियां होती हैं, सूर्य क्या है भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाने लगता है, और उस वजह से क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो क्या होता है, तिब्बत के ऊपर चली जाती है, यानी उत्तर में चली जाती है, और अब भारतीय उपमहाद्वीप में किसका प्रभाव होगा, तो अब भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का क्या होगा, प्रभाव उत्पन्न होने लगेगा। बस इतनी सी बात है, जो अभी तिब्बत के पठार से दो शाखाओं में मतलब दो शाखाओं में बट रही थी, एक तिब्बत के पठार पे जाती थी, कि हिमालय के दक्षिण में जाती, अब जैसे ही सूर्य ऊपर चला जाएगा तो ये जेट स्ट्रीम ऊपर खिसक जाएगी, और इसकी जगह कौन सी वाली आ जाएगी, पूर्वी जेट स्ट्रीम आ जाएगी, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक प्रकार की क्या है आपका, क्षेत्रीय या मौसमी जेट स्ट्रीम है, क्या बोल रहे हैं इसे, क्षेत्रीय मौसमी जेट स्ट्रीम, ठीक है। इसकी उत्पत्ति क्या है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के समय में क्या होता है, तिब्बत के पठार पर होता है, ठीक है, तो अधिक उसकी वजह से क्या होगा, अधिक तापमान के कारण गर्म वायु के आरोहण का मतलब है गर्म वायु नीचे से ऊपर चलने लगती है, मतलब ये समझिए भारत है, भारत के इधर तिब्बत है, तिब्बत के पठार पे क्या है, पूर्वी जेट स्ट्रीम चलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो वायु है ना वो हल्की होने लगेगी, और हल्की होने के बाद ऊपर उठने लगेगी, ये बोला इसने, ठीक है। यानी कि इसने कहा जो है वायु है गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, और कहाँ पहुँच जाती है, क्षोभ मंडल के ऊपर, यानी जब वायुमंडल की बात करते हैं तो जो पहला लेयर होता है वो क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल के ऊपर की परत में क्या होती है,
है विकसित, क्या है, उच्च वायु दाब के केंद्र से होती है। ठीक है, मतलब अब ये क्या हो रहा है कि आरोहण मतलब जो है वायु जो है गर्म होकर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो जो है वायु गर्म होकर ऊपर उठने से क्या होता है, क्षोभमंडल की जो ऊपरी परत है उसमें विकसित जो उच्च वायु दाब है उसके केंद्र से होती है। किसकी उत्पत्ति होती है किसकी उत्पत्ति होती है गाइस, ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की। आगे बढ़ते हैं तो इसको अभी मत समझिए, इससे ज़्यादा अच्छे से मैं बता दूंगी आपको। अब यहाँ लिखा है कि उच्च वायु दाब के केंद्र से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए जो है आपका दक्षिणी हिंद महासागर से सागर की ओर चलने वाली हवा को ही उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। यानी कि अभी चल कैसे रही है, देखिए समझिए, ये भारत है। ठीक है, फिर से आप पढ़ लेना, फिलहाल मैं यहाँ, ये तिब्बत हो गया। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये 0 डिग्री मान लेते हैं या और नीचे मानते हैं, ये हो गया आपका 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। यहाँ है अरब सागर, ठीक है, यहाँ है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, यहाँ है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। अब जो यहाँ पे पूर्वी जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में आई है यानी कि क्षोभमंडल के ऊपरी परत में जो है विकसित हुई है, ऐसे वाली होती है पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब ये कहाँ से होती हुई कहाँ की तरफ जा रही है, तो देखो इसने लिखा है कि उच्च वायु दाब के केंद्र से, यहाँ पे हाई प्रेशर है, उच्च वायु दाब है, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर, यानी ऐसा कुछ, बंगाल की खाड़ी अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर से होते हुए कहाँ इधर कहीं जा रही है। ठीक है, कौन सी, पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है जो इस तरह से चल रही है। अब इस जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर के द्वीप के समीप वायु के आरोहण से उच्च वायु दाब का विकास होता है। ठीक है, फिर यहाँ से चलने वाली क्या है, दक्षिण पश्चिम सॉरी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने जब विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण दाई ओर मुड़ जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के तट से टकराकर वर्षा करती है और इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। मतलब समझिए, अब इसने कहा कि जो ये पृथ्वी है यहाँ से, ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ मान लेते हैं अफ्रीका है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, ये वाला। अब इसने कहा कि जो यहाँ पे भारत है और यहाँ से पूर्वी जेट स्ट्रीम कुछ इस तरह से ऐसे करके आ रही है, राइट। अब इसने कहा यहाँ पे ना क्या होगा, फिर यहाँ ऊपरी वायुमंडल में यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। अब यहाँ से क्या होता है कि जो यहाँ पे व्यापारिक पवने ना जो इस तरह से चल रही हैं वो अब क्या करेंगी, भूमध्य सागर को क्रॉस करेंगी और कोरियोलिस बल के कारण अपनी दिशा को बदल देंगी और इस तरह से चलने लगेंगी भारतीय महाद्वीप की तरफ, उपमहाद्वीप की तरफ, यानी इस तरह से चलने लगी हैं, तो इसका नाम हो गया दक्षिण पश्चिम। अब इसी की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में मैक्सिमम वर्षा क्या होती है, होती है। ठीक है, बस इसमें हर चीज़ मतलब हर बार ना दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून की बात हो रही है, पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया कि भैया इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, आ वही रहा है लेकिन तरीका सबने अलग अलग बता दिया कि इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे गाइस, ये कुछ नहीं बस वही सब है, तो सबने तरीका बदल दिया कि हाँ यार इस वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है, इस वजह से उत्तर पश्चिम मानसून आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है एलिनो और भारतीय मानसून की बात करते हैं। अब एलिनो क्या भैया क्या चीज़ है, फिर देख लेते हैं। इसने कहा एलिनो क्या है, एक जटिल मौसम तंत्र है। ठीक है, अभी भूल जाओ ये क्या है। ठीक है, अब इसने जो हर 5 या 10 साल बाद क्या होता है, आता है, मतलब एलिनो 5 से 10 साल में आता है हर बार, तो इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में क्या होता है, या तो सूखा पड़ रही है, बाढ़ आ रही है, कि मौसम की चरम अवस्थाएँ, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, बहुत बाढ़ आ रही है, बहुत सूखा पड़ जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें पता नहीं है क्या हो सकता है लेकिन ये सब हो सकता है। तो एलिनो का अर्थ बताइए, यहाँ लिखा है बालक ईशा है, क्या है, बालक ईशा। ठीक है, क्योंकि ये जो है जलधारा, ये क्या है, जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नज़र आती है, इसलिए इसका नाम हो गया ये बालक ईशा, मतलब दिसंबर में दिखेगी। अब इसने कहा पेरू में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, मतलब पेरू कहाँ पर भैया, तो देखिए ये हम बात करते हैं, ये हो गया आपका है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हो गया आपका यूरोप, मान लेते हैं, लगे तो लगे नहीं तो कोई बात नहीं, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलो यहाँ पे है गाइस पेरू, कहाँ पे है पेरू, यहाँ पे मान लेते हैं पेरू है बस। अब यहीं पे ये घटना होने वाली है, यहाँ पे कहीं समुद्र में, ये कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत
प्रशांत क्या बोलते हैं यार पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर, प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, तो ये बोलेंगे। तो यहाँ पे ये घटना होने वाली है पेरू के तट पे होने वाली, प्रशांत महासागर में होने वाली, ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। या तो आप इस डायग्राम को ऐसे बना लीजिए या ये वाला जो पार्ट है उसको यहाँ बना दीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा मैं क्या कह रही हूँ, हम कैसा बनाएंगे तभी तो ज़्यादा मज़े आएगा समझने में, क्योंकि भारत को लेके आपको चलना है। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका एशिया और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, तभी तो हम भारत की बात करेंगे। अब देखो पेरू है यहाँ, पेरू के तट पे यहाँ कुछ कहानी घटेगी, ये हो गया आपका 0 डिग्री मान लेते हैं, भूमध्य रेखा मान लेते हैं, और इसका असर यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा। अब कहानी कुछ ऐसे चलने वाली है, चलो समझते हैं। अब इसने कहा एल नीनो का शाब्दिक बाला ईशा हो गया, क्यों? क्योंकि ये दिसंबर के टाइम में आता है कुछ, और पेरू में क्या होता है दिसंबर के टाइम, हमारे यहाँ तो दिसंबर में क्या होते हैं ठंड होती है, लेकिन वहीं अगर हम पेरू की बात करें तो दिसंबर में गर्मी होती है, क्योंकि दिसंबर में क्या होता है सूर्य जो है ना वो दक्षिण दिशा में चला जाता है, और पेरू क्या है दक्षिण में है, ठीक है। जब सूर्य दक्षिण में जाएगा पेरू भी दक्षिण में, और जब सूर्य दक्षिण में जाएगा हम तो उत्तर में हैं यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगी ठंड लेकिन यहाँ तो गर्मी होगी क्योंकि सूर्य तो पेरू के पास जा रहा है, ठीक है। तो पेरू पे दिसंबर में क्या होती है गर्मी होती है। भारत में मॉनसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए क्या है एलनीनो का उपयोग होता है। मतलब इसने कहा कि आपको बताना है जो मॉनसून है, मॉनसून की जो लंबी अवधि के पूर्वानुमान मतलब पहले से आपको बताना है, तो उसके लिए आप बता दो एलनीनो से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि क्या मौसम रहने वाला है करके। अब इसने कहा 1990 से 91 में एलनीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था, मतलब 1990 से 91, कुछ पैदा हो गए होंगे आप में से, कुछ नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या देश के अधिकतर भाग में क्या होता है कि जो मॉनसून है ना वो 5 से 12 दिन देरी से आया, मतलब जो बारिश है वो 5 से 12 दिन, आप कहेंगे 5-12 क्या होता है तो कुछ जरा से दिन है, लेकिन नहीं, इसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मॉनसून जो है 5 से 12 दिन देरी से आया, ठीक है, एलनीनो की वजह से, ठीक है। तो किसकी वजह से आया था, 1990-91 में एलनीनो की वजह से मॉनसून जो है इतने दिन देरी से आया था, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ जाता है, या तो मानसून जल्दी आ सकता है, देरी से आ सकता है, नहीं आए मतलब देरी से आएगा तो याद समझिए ना, तो बारिश नहीं होगी सूखा पड़ेगा। अब इस तंत्र में क्या होता है महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। महासागर में कुछ घटनाएं होती है, वायुमंडल में कुछ घटनाएं होती है एलनीनो की वजह से। पूर्वी प्रशांत, हाँ देखिए प्रशांत महासागर है, तो देखिए हमने कहा कि जो प्रशांत महासागर है पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धाराओं के रूप में प्रकट होता है। मतलब हमने जो बनाया था ना वो हमने कहा था यहाँ पे पेरू, पेरू के इधर की बात हो रही है समुद्र की, ये प्रशांत महासागर है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कहानी ये है कि यहाँ पे जो धारा है ना वो किस कैसी है, गर्मी है तो भैया ये क्या उष्ण समुद्री धारा होगी यानी कि गर्म होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो इससे क्या होता है भारत सहित अनेक स्थान में मौसम क्या हो जाता है प्रभावित हो जाता है। एल नीनो जो है भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। मतलब इसने कहा कि जब आप पेरू बनाते हैं ना तो ये तो यहाँ से 0 डिग्री जा रहा है, यहाँ पे पेरू का तट आ जा रहा है, ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास की धारा ये, तो भूमध्य रेखा के पास की धारा गर्म होगी यानी कि उष्ण होगी। तो बस ये इसने कहा एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या है भूमध्य रेखा के पास जो गर्म जो है समुद्री धारा है ना उसी का एक विस्तार है, मतलब उसी का एक पार्ट है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन और क्या है हम्बोल्ड धारा पर क्या होती है प्रतिस्थापित हो जाती है, ठीक है। धाराओं की हम बात करेंगे, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये धारा जो है पेरू तट के जल का तापमान जो है 10 डिग्री तक बढ़ा देता है, क्यों? क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा के पास से आ रही है तो भूमध्य रेखा तो गर्म होती है, पेरू के तट पे जो भी धारा है वो जब ये वाली भूमध्य रेखा वाली धारा जो है पेरू के तट वाली धारा से मिलेगी तो ये क्या करेगी उसको भी गर्म कर देगी, और ये कितना गर्म कर देगी 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म और बढ़ा दे रही है उसके टेम्परेचर को। अब इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, तो भूमध्य रेखा वायुमंडलीय परिसंचरण में क्या होता है विकृति होती है, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास जो वायुमंडलीय परिसंचरण है ये जो हवाएं चल रही है उसमें वो उसका हिसाब किताब बदल सकता है, मतलब उसमें परिसंचरण में विकृति हो सकती है। समुद्री जल के वाष्पन में क्या होती है अनियमितता हो सकती है, मतलब हमने कहा समुद्री जल का वाष्पन इतनी देर में इतना होना चाहिए तो वो शायद बढ़ सकता है कम हो सकता है जो भी बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। और इसमें लिखा है प्लवक, प्लवक जो होते की मात्रा क्या होती है उसमें कमी हो जाती है, समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। प्लवक देखो जैसे
हमने कहा प्लवक है, प्लैंक। तो प्लवक मान लेते हैं, जैसे पृथ्वी पे आपने कह दिए घास है, घास कम हो जाएगी तो उसे खाने वाले भी कम हो जाएंगे। तो इसने कहा प्लवक, प्लवक की मात्रा में कमी हो जाएगी जिसकी वजह से उसे खाने वाले, जैसे हमने कहा मछलियाँ, मछलियाँ मछलियों को जब भोजन नहीं मिलेगा तो मछलियों की भी कमी हो जाएगी। मतलब इसने कहा एलनिनो का प्रभाव बताया कि एलनिनो आने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलो मज़ा आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फिर से समझ जाएंगे। आप इसे यही वीडियो को ना दोबारा से देखिएगा, और कुछ नहीं है। मतलब इसने ये बोला कि जो एलनिनो की बात इसने करी, तो एलनिनो से क्या होता है, एलनिनो से क्या होता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो मौसम है वो बदल जाता है। ठीक है, और उसके आसपास के भी कुछ क्षेत्र है वहाँ का मौसम बदल जाता है, या तो बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, या कुछ भी अनियमितता आएगी। ठीक है, तो एलनिनो कहाँ पर आता है, आपका पेरू के तट के पास आता है। वहाँ की धारा जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ के टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कहीं और कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब वहाँ का मौसम बदल जाता है। ठीक है, हमने देखा था 1990-91 में क्या हुआ था कि जो मानसून है वो 5 से 12 दिन लेट आया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ, बस एलनिनो में इतना ही समझिए और इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसने इतना ही समझा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका हिंद महासागरीय डायपोल और क्या है भारतीय मानसून की बात कर लेते हैं। अब देखिए हिंद महासागर में कुछ ऐसा होता है जिससे भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या, गर्मी के दिनों में क्या होता है, हिंद महासागर की जलीय सतह पर क्या है, दो भिन्न क्षेत्र में क्या अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या हिंद महासागर डायपोल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अभी समझिए, हिंद महासागर डायपोल को भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है, जैसे एलनिनो हमने पढ़ा था वैसे ही ये डायपोल को क्या बोल दिया इसने, भारतीय नीनो। ठीक है, एलनिनो की जगह भारतीय नीनो। ठीक है, तो ये क्या है, एलनिनो को प्रभावित करता है जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। मतलब इसने कहा कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से भारतीय मानसून प्रभावित हो रहा है। मतलब आप ये कह रही है कि बारिश है, मतलब मानसून जो है भारत में जो है हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है लेट आए, है ना, सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक एलनिनो की घटना देखी थी जिसकी वजह से प्रभावित हो सकता है मानसून, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हिंद महासागर में डाइपोल आता है उसकी वजह से। अब देखिए गाइस क्या होता है ना, जब भारत आप ऐसे देखते हैं, ठीक है, हिंद इंडियन ओशन ये रहा आपका। अब यहाँ पे दो पानी है, कहाँ कहाँ, एक है बंगाल की खाड़ी और एक यहाँ पे है अरब सागर। ठीक है, यहाँ पे दो जगह पानी है। अब क्या होता है कि ना, जब यहाँ पे डाइपोल की बात आती है ना, कि इंडियन ओशन डाइपोल की जब बात आती है, तो क्या होता है, यहाँ के पानी और यहाँ के पानी का टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है। मतलब हम कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसकी वजह से, मतलब अभी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भारत का मानसून है ना वो भी प्रभावित होगा। मतलब ये जो इंडियन ओशन का डाइपोल है ना, इसकी वजह से क्या होगा, जो एलनिनो है वो प्रभावित होगा, उसकी वजह से क्या होगा, भारत में जो मौसम है वो भी प्रभावित होगा। फिर से देखते हैं, फिर अब समझिए फिर से। तो गर्मी में क्या हो रहा है कि हिंद महासागर की जो जलीय सतह है वो दो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न करती है। तो हिंद महासागर जो है आपका इंडियन ओशन, अलग अलग तापीय स्थिति, यहाँ मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर T2 टेम्परेचर है, जिससे हिंद महासागर में जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंद महासागर के डाइपोल की संख्या दे रखी है। मतलब हम इसे बोलते हैं हिंद महासागर डाइपोल। ठीक है, अब लिखा हिंद महासागर डायपोल को क्या है, भारतीय नीनो कह दिया एलनिनो की जगह, पहले एलनिनो पढ़ता, अभी हमने इसको भारतीय नीनो कह दिया। अब कहते हैं ये जो भारतीय नीनो है ना, ये एलनिनो को प्रभावित करता है जिससे भारतीय उपमहाद्वीप जो भारतीय मानसून है वो भी प्रभावित होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिंद महासागरीय डायपोल जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल और एक होता है नकारात्मक। मतलब इसने कहा डायपोल दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। चलो, अब इसने कहा जो सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल है उसकी स्थिति में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर यानी कि अरब सागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के तापमान से क्या होता है, अधिक हो जाता है, और सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल भारतीय मानसून के लिए क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है। समझिए अब इसे, इसने बोला कि जब हिंद महासागर है, ठीक है, इसने कहा हिंद महासागर जब सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की बात करें यानी कि पॉजिटिव सकारात्मक, तब क्या होता है कि जो अरब सागर है ना वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, और यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है कम। बस इतनी सी बात उसने कही है और कुछ नहीं कहा, चाहता हूँ दोबारा से पढ़ लो इसे। ठीक है, अब इसने कहा इसकी वजह से क्या होता है, अब इससे भारतीय मानसून पे अच्छा प्रभाव पड़ा या बुरा देखते हैं। तो इससे जो भारतीय मानसून के क्या अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होता है यानी अच्छी, यानी कि यहाँ मानसून समय से आ सकता है, सही तरीके से आ सकता है। ठीक है, कब, जब सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये कहानी हम बाद में देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल, इसमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान सामान्य तापमान से कम हो जाता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है, नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल स्थिति का निर्माण करता है। मतलब समझिए, तो गाइस यहाँ ये हो गया इंडियन ओशन, हमने कहा यहाँ अब क्या होगा, टेम्परेचर होगा कम और यहाँ होगा टेम्परेचर ज़्यादा। अब
इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, बस इसने इतनी सी बात कही, यहाँ का टेम्परेचर कम, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, अब इसकी वजह से क्या होगा, भारतीय मानसून पे प्रतिकूल यानी नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसका नाम भी क्या है, नकारात्मक हिंद महासागरीय डाइपोल। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, यानी हिंद महासागरीय डाइपोल में कुछ नहीं है, बस दो जगह का टेम्परेचर बदल रहा है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ का कम हो जाएगा, और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ का बढ़ जाएगा, ये हो गया सकारात्मक, ये हो गया नकारात्मक, ठीक है, फिर से पढ़ लेना नहीं समझ में आया हो तो। चलो आगे बढ़ दें, तो बस चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक यहाँ लिखा है मानसून विच्छेद, ठीक है, गैप ऑफ मानसून, देखिए क्या क्या है ये कहानी। तो यहाँ लिखा है कि मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए वर्षा रुक जाती है, और तो ऐसी स्थिति को मानसून विच्छेद कहा जाता है, ठीक है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले विच्छेद के पीछे अलग अलग कारण उत्तरदायी, मतलब इसने कहा कि सपोज कि 2 महीने तक वर्षा हुई, ठीक है, और फिर इसने कहा 15 दिन वर्षा नहीं हुई, हमने कह दिया 15 दिन, मतलब एक बात है मैं बता रही हूँ, 2 महीने तक वर्षा हुई, हमने कहा 1 महीने और वर्षा नहीं हुई, तो जो ये 1 महीने वर्षा नहीं हुई, 2 महीने लगातार वर्षा होने के बाद, तो इसे हम बोलते हैं मानसून विच्छेद यानी गैप ऑफ मानसून, ठीक है। अब इसने कहा भारत में अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कि अलग अलग कारणों से विच्छेद आ सकता है, जैसे पश्चिमी तट पर क्या होता है, आर्द्र पवनों का तट के समानांतर प्रवाहित होना, इसकी वजह से वर्षा नहीं होगी। अच्छा समझेंगे अभी, उत्तर भारत के मैदान में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन व उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या में कमी, ठीक है, इसकी वजह से वर्षा नहीं होगी। राजस्थान में वायुमंडल की चलो समझते हैं, इसने कहा पश्चिमी घाट पे जो है ये वाला पहला समझते हैं, पश्चिमी घाट पर आर्द्र पवनों का तट के समानांतर प्रवाहित होना, मतलब इसने कहा ये, इसने कहा कि वर्षा कब होगी, जब हवाएं ऐसे चलेंगी ऐसे और ऐसे और ऐसे, यहाँ के जो पठार या पहाड़ हैं उसे टकराएंगी और क्या करेंगे, अपना पानी वहीं पर गिरा देंगे, यानी कि बारिश हो जाएगी। अब इसने कहा वर्षा हो क्यों नहीं रही, वर्षा ना होने का कारण ये है कि हो सकता है हवाएं ऐसे चलने लगें, जब हवाएं ऐसे चलेंगी तो ना यहाँ पे टकराएंगी किसी से ना यहाँ पे वर्षा करेंगी, ये बात लिखा है कि मतलब तट के कैसे चल रही है, देखिए समानांतर चल रही है, कैसे चल रही है, तट के ये तट है तो इसके समानांतर चल रही है। अच्छा अब इसलिए उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत का मैदान कौन सा था, जब आप भारत यूं बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन उत्तर भारत का मैदान, तो उत्तर भारत के मैदान में क्या होता है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि आईटीसीजेड में परिवर्तन, ठीक है, आईटीसीजेड में परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या में कमी। देखिए आईटीसीजेड में परिवर्तन, अगर आईटीसीजेड जो है दक्षिण की तरफ चला जाए, भारत से हट जाए, तो वर्षा नहीं होगी यहाँ पे, या फिर जो चक्रवात की वजह से वर्षा होती है, चक्रवात की संख्या में अगर कमी हो जाएगी तो वर्षा नहीं होगी। फिर लिखा राजस्थान में वायुमंडल की निचली परतों में तापीय विलोमता के प्रभाव से आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा उत्पन्न होने से, ठीक है। तो अगर राजस्थान के ऊपर के आप वायुमंडल की बात करते हैं गाइस, तो उसमें क्या है, इसने कहा यहाँ पे अगर वायुमंडल की निचली परत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर तापीय विलोमता हुई, मतलब जैसा टेम्परेचर होना चाहिए वैसे ना होकर उसका ऑपोजिट हो गया, तो और जो वायु ऊपर जाने वाली थी यानी कि वायु का जो आरोहण होने वाला था वो नहीं होगा, अगर वायु ऊपर ही नहीं जाएगी तो वो ठंडी कैसे होगी, ठंडी कैसे होगी जब उसमें नमी, जब ठंडी नहीं हो तो बारिश नहीं होगी, ठीक है, साफ सी बात है, यानी वायु को ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उसकी वजह से वहाँ पर संघनन की क्रिया होती है, फिर वही जो है आपकी नमी छोटी छोटी बूंदों में मतलब करके बारिश हो जाती है, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर वायुमंडल की निचली परतों में क्या तापीय विलोमता हो जाएगी, तो ये भी कारण है जिसकी वजह से वर्षा नहीं होगी राजस्थान में।